हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। नए वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिल आयतान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2nd के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 से आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कहता है, सत्यापित कीजिए, इसके दो भाग हैं। पहले भाग में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यानी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इन दोनों साइड्स को हमने सिंप्लीफाई करके बराबर सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। सेकेंड पार्ट में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इनको भी दोनों को हमने सत्यापित करना है। तो हम पहले पहला भाग लेते हैं। पहले भाग के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हम इसके पहले क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं। तो पहले x की इन सभी टर्म से जो जो पद दिए गए इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। x की पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, x क्यूब माइनस x की माइनस एक्स वाई से प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई एंड लास्ट में x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो x y स्क्वायर। अब हम y की मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी पदों से, तो y की x स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस वाई की माइनस से तो माइनस वाई की एक्स इंटू वाई। तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वाई क्यूब। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये इसे कैंसिल हो गया। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर छेद कर दिया है। अब हम दूसरा भाग लेते हैं इसका। दूसरे भाग में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है और राइट हैंड साइड में एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर है हमारे पास। तो हम इसमें से दो राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब इसकी एक्स की इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद वाई से करेंगे। तो क्या हमें मिलेगा, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर। अब हमारे पास कौन बच गया, माइनस वाई, माइनस वाई को इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, वाई को प्लस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब। एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का कैंसल, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये भी से कैंसल। तो हमारे पास क्या लेफ्ट रह गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करके निकाल दिया, और जो प्रश्न नंबर 9 के अंदर दोनों भाग दिए गए थे उनको हमने सत्यापित कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, इसके दो भाग दिए गए हैं। पहले भाग में 27y³ प्लस 125z³, सेकंड भाग में है 64m³ माइनस 343m³। तो हम देखते हैं इनकी जो नेचर है वो इस जैसी नजर आ रही है, इसका मतलब ये एक फॉर्मूला ही बन गया। तो हमारे पास जो सूत्र था, सूत्र क्या था हमारे पास, इस प्रकार का जो सूत्र था वो क्या था, a³ प्लस बी क्यूब किसके बराबर था, ए प्लस बी, इसमें से कॉमन आता है
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इस सूत्र का हमने प्रयोग करना है इसके अंदर। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, 27y³ प्लस 125z³। तो इसमें 27y³ को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 यानी 3y³, क्योंकि 3 की पावर 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27। इसी प्रकार हम 125 को लिखेंगे, ये 5 का क्यूब है, तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अब इसमें a के बराबर हमारे पास मान क्या है, 3y, और b की जगह हमारे पास क्या है, 5z। तो ये इसके अंदर भरते हैं और फिर निकालते हैं। तो देखिए a प्लस बी, a की जगह मान क्या है 3y, b की जगह क्या है हमारे पास 5z। कंपेयर करने पर ये आ गया। अब a स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है 3y स्क्वायर माइनस a 3y इंटू बी, a इंटू बी, तो 5z प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या है 5z का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 3y प्लस 5z इंटू 3y स्क्वायर क्या आ गया, 9y स्क्वायर माइनस प्लस प्लस माइनस 3 इंटू 5 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर। इस प्रकार हमने इस सूत्र का प्रयोग करते हुए 27y³ प्लस 125z³ के हमने गुणनखंड कर दिए, तो ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 64m³ माइनस 343m³। तो ये भी इस जैसा ही है हमारे पास। हमारे पास देखिए यहाँ पे x माइनस y³ था। देखिए तो ये है हमारे पास 64m³ माइनस 343m³। तो इसके लिए सूत्र जो हमारे पास प्रयोग होगा वो कौन सा होगा, a³ माइनस b³। ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसको हम वापस इस फॉर्म में कैसे लाते हैं, 64m³ माइनस 343m³। 64m³ को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम हमारे पास 4m³, क्योंकि 4 का जो क्यूब है वो कितना होता है 64, तो 343 किसका क्यूब होता है 7 का, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 7n³। तो अब हमारे पास इस सूत्र से हम कंपेयर करें तो a की जगह हमारे पास क्या है 4m है और b की जगह हमारे पास क्या है 7n है। तो हम अप्लाई कर देते हैं, a की जगह हम पुट करते हैं 4m माइनस b की जगह 7n। a स्क्वायर मींस 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू बी की 7n प्लस b स्क्वायर मींस 7n का स्क्वायर। तो हम क्या फाइंड करते हैं आफ्टर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें मिलता है 4m स्क्वायर मींस क्या होगा 16m स्क्वायर, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28mn और ये कितना आ गया 49m स्क्वायर। इस प्रकार हमने 64m³ माइनस 343m³ का गुणनखंड कर दिए। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व किया। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 व 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो 11 क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, 27x³ + y³ + z³ - 9xyz
का गुणनखंड कीजिए। इसका हमने गुणनखंड करना है। ये गुणनखंड कैसे करेंगे? सूत्र की सहायता। सूत्र हमारे पास क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, क्योंकि ये इसी प्रकार की नेचर का है। तो इसके जो गुणनखंड होते हैं, ये जो सूत्र होता है, वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। इस सूत्र का हम प्रयोग करके इसके गुणनखंड करते हैं। आइए करते हैं। 27x³ प्लस y³ z³ माइनस 9xyz। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 27x³ को हम क्या लिख सकते हैं? 3x³। ये y³ है, z³ है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड कैसे बनेंगे? माइनस 3 a की जगह हम क्या काम करते हैं? 3x, तो 3x पुट कर देते हैं a की जगह। बी की जगह हमारे पास क्या? y³ यानी y और c की जगह z। अब हम देखते हैं कि क्या ये 9xyz बनता है। इसके मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 3 9xyz, इसका मतलब ये सही है। अब इस सूत्र की जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली फॉर्मूला की, अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या मिलेगा? ये देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, एक ही जगह हमारे पास क्या है? एक ही जगह हमारे पास है 3x, तो 3x प्लस बी की जगह y प्लस z। फिर हमारे पास ए स्क्वायर क्या मतलब? 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी का मतलब जेड स्क्वायर माइनस ए बी, ए की बी से मल्टीप्लाई, माइनस 3xy माइनस बी सी, बी की जगह हमारे पास y है और सी की जगह जेड है, तो माइनस वाई जेड माइनस सी की जगह जेड और ए की जगह 3x। इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x प्लस वाई प्लस जेड 3x² 9x² y² z² माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। तो इस प्रकार हमने दिए गए क्वेश्चन एग्जाम के 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz का ये सूत्र का प्रयोग करके हमने इसके गुणनखंड कर दिए। आइए हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया, सिद्ध कीजिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो किस प्रकार की नजर आ रही है आपको? इस फॉर्मूले की तरह नजर आ रही है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम दोनों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, हम राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आसान मेरे हिसाब से राइट हैंड साइड से रहेगा, तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं इसमें, राइट हैंड साइड। तो ये जो है वो किसके बराबर आएगा? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आना चाहिए। देखते हैं राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इनको सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, लास्ट में जेड माइनस एक्स का उसका सॉल्व करते हैं। जेड स्क्वायर माइनस 2xz माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1/2
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर होगी, टू एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितने होगी, टू जेड स्क्वायर। माइनस टू एक्स वाई, माइनस टू वाई जेड, माइनस टू एक्स जेड। इस सारे के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, टू, टू कॉमन ले लीजिए, टू बाय टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स या एक्स जेड कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो ये टू से टू कैंसिल हो गया। अब हम देखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी किसके बराबर था, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास क्या ए प्लस बी प्लस सी किसके क्या है, हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे ए क्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। यानी एक्स ए को ए इक्विवेलेंट है बी, वाई और सी इक्वल टू जेड लेते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। तो हमारे पास इस सूत्र का जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड है, उसका ये प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। ये आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं तब भी यही टर्म बचेगी। इस प्रकार हमने राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दिया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने YouTube चैनल अनिल आयतान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।